अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम फारी है। आपका आज ना दोस्तों मैं तो आपको पार्टिस करने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम अपने टच मिनट के पौधे पे, जिसको उर्दू में छुरमुज भी कहा जाता है। सर्दियों में इसकी केयर कैसे की जाए, आज इसके ऊपर बात की जाएगी। ये देखें आप, ये मेरा टच मिनट का प्लांट है। देखें, अगर मैं इसके पत्तों को इस तरीके से छूता हूँ तो देखें ये बंद हो गए हैं। देखें अब मैं और पत्तों को भी छूँगा तो ये बंद हो जाएंगे। ये देखें, ज्याला प्लांट है, इसको मैंने छेड़ा, देखें ये भी बंद हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं टच मिनट, मतलब छुरमुज का पौधा। तो इसके घर के बारे में बात करूँगा तो दोस्तों, सर्दियों में वैसे भी हमारे पास नमी हमेशा रहती है, मतलब नमी बनी रहती है हमारे पास, और हम अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करते सर्दी के अंदर। और इसको भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरे पास आए हुए कम से कम एक हफ़्ता होने वाला है, और एक हफ्ते से सिर्फ मैंने इसको कल पानी दिया है। देखें आप, अभी भी इसकी मिट्टी कितनी मॉइस्ट है, और इसको मैंने छांव में रखा हुआ है। इसको आपने धूप में नहीं रखना है, ये धूप में नहीं रहता, ये इंडोर प्लांट है हमारा। ना इसको गर्मियों की धूप अच्छी लगती है, ना सर्दियों की, बस सुबह सुबह की आधे एक घंटे की धूप हो तो वो इसके लिए बहुत अच्छी है। तो इस पौधे के अंदर फूल नहीं आते हैं, ये सीधा सीधा बढ़ता ही रहता है, और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। काफ़ी अच्छा सा पौधा है ये। और ये पौधा चाहें तो आप ले सकते हैं, मगर ये हर नर्सरी से नहीं मिलता, मतलब जैसे लोकल नर्सरी पे भी ये नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत शॉर्ट होता है, इसकी ज़्यादा तादाद भी नहीं पाई जाती, ये कहीं कहीं होता है, और इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत नाजुक पौधा होता है। इसके अंदर ये आप देखेंगे, करीब से देखें आप, तो ये देखें इसके अंदर ये आपको कांटे दिख रहे होंगे, ये आपको कांटे, ये देखें कांटे दिख रहे होंगे आपको इस पौधे के ऊपर। ये जंगली पौधा है, क्योंकि इसके ऊपर देखें कांटे भी हैं। ये देखें इस ब्रांच पे भी थे। तो अगर आप इसके मतलब किसी भी पत्ते को छू रहे हैं तो आप देख के छूएं, क्योंकि इस पौधे में कोई कांटा ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ डंडी पर हो। बिल्कुल जैसे आप पत्ता छू रहे हैं तो आपकी उंगली ज़रा सी यहाँ नीचे चली गई इस जगह पर, तो ये देखें यहाँ पे कांटा है। तो ये कांटा अगर आपके घुस गया तो, बारह मेरे घुसा तो नहीं है आज तक, मगर आपके घुस गया तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपको। दोस्तों बस आज के लिए यही था, आपको ये अपने मैं छुरमुज का पौधा दिखाना चाहता था कि अगर आपके पास है तो आप इसकी सर्दियों में केयर कैसे की जाए। गर्मियों में इसकी केयर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में हमारे पास मॉइस्ट रहता है मौसम, या खुश्की खुश्की सी रहती है, और क्या कहते हैं मिट्टी भी ज़्यादा पानी मांगती है, हमारे पौधे पानी मांगते हैं ज़्यादा गर्मी के अंदर। मगर गर्मी में भी आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितना आप देते हैं उतना ही देना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।